गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट, वेस्ट मतलब कबाड़, कबाड़। ठीक है, वेस्ट को कबाड़ी बोलते हैं। वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा कबाड़, मतलब उस कबाड़ को हमको अच्छा बनाना है। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। वो बोल रहे हैं कि वेस्ट को क्या बनाया जा सकता है, बहुत ही अच्छी चीज, काम का बनाया जा सकता है, यूजफुल बनाया जा सकता है, जिससे हम जिसका कि हम कुछ यूज कर सकें। तो अब आपको इस स्टोरी से फाइंड आउट करना है कि उस कबाड़ का हम कैसे यूज करेंगे या कर सकते हैं। अब देखो, वंस द महाराजा ऑफ ट्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। अब देखो, एक बार त्रावणकोर का जो महाराज था, त्रावणकोर के जो महाराज थे, उन्होंने क्या किया, अपने पैलेस में, मतलब अपने महल में एक बहुत बड़ा पार्टी दी। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, डिनर से पहले, डिनर कब होता है, रात में। तो रात में जब उनका डिनर होना था, उससे पहले जब दिन हो रहा था, जब खाने की तैयारियां हो रही थी, तो महाराजा कहाँ गए, किचन में गए देखने के लिए कि वहां पर क्या क्या काम चल रहा है, मतलब क्या खाना बना है या क्या खाना नहीं बना है। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. तो अब क्या हुआ कि जब वो किचन में गए, तो किचन में एक टोकरी रखी हुई थी जिसमें कि उन्होंने सब्जियों के छिलके रखे हुए थे। तो उन्होंने जो कुक था, उस कुक से पूछा कि आप इन छिलकों का क्या करोगे। They are waste. We will throw them away. तो कुक, the cook replied. तो जो कुक था उसने रिप्लाई किया, कुक ने जवाब दिया कि हम क्या कर देंगे, इनको फेंक देंगे, ये तो क्या है। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. ठीक है, तो महाराजा जो थे, उन्होंने कुक को ऑर्डर दिया कि आप इन सब, जो ये कूड़ा है, जो ये छिलके हैं, इन सबको बर्बाद नहीं कर सकते, और आप इसका कोई तरीका ढूंढो कि आप इसको कुछ यूज कर सकें। ये उन्होंने बोला उनको और वहां से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। दो जो कुक था, वो क्या हो गया, उसने बात को सुना और उसने क्या किया, उन वेजिटेबल्स की तरफ देखा एक बार और उसके बाद सोचने लगा। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, और अचानक से उसके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया, ख्याल आया, आइडिया आया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. तो उसने क्या किया, उन सारे vegetables के जो छिलके थे, bits थे, मतलब जो टुकड़े थे उनके, उनको लिया और उनको अच्छे से धोया और cleaned, साफ किया, very good. Then he cut them into long strips. और उसके बाद उन सबको क्या किया, लंबे लंबे strips में क्या कर लिया, cut कर लिया. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उसने उन सबको क्या कर लिया, एक बड़े से बर्तन में रखा और उसके बाद आग के ऊपर पकाने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद उसने क्या क्या मिलाया, देखो, फ्रेश कोकोनट मतलब नारियल, वेरी गुड, नारियल, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च एंड गार्लिक। गार्लिक क्या होती है, अदरक, लहसुन, वेरी गुड, लहसुन। उन सबको मिलाया और उसका एक पेस्ट बनाया और उसमें मिला लिया। He added the paste and some salt to the cooking vegetables. उसके बाद उसने उस सारा पेस्ट बनाया और उसमें some salt क्या मिलाया? Some salt. Salt मतलब? नमक. नमक मिलाया और उन vegetables के ऊपर मिला दिया. A tempting smell started coming from the pot. उसके बाद क्या हुआ, जब थोड़ा बहुत बन गया तो उसके बाद उससे एक बहुत ही अच्छी सी क्या आने लगी? Smell, खुशबू आने लगी. Now we whipped some curd and added it to the curry. उसके बाद उसने थोड़ी सी curd, दही, दही ली और उसमें मिला दी। He also powered a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसके बाद उसने क्या मिलाया उसमें, coconut oil. Coconut oil मिलाया पहले तो, मतलब नारियल का तेल, and decorated the dish with curry leaves. और उसके ऊपर क्या डाल दिए, थोड़े से कड़ी के पत्ते, कड़ी लीव्स। Lo and behold, the new dish was ready. और उसके बाद एक नई डिश क्या हो गई, बिल्कुल तैयार हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और उसके बाद उस कुक ने वो जो नई डिश थी वो किसको दे दी, जो गेस्ट आए थे उस दिन, उन सबको दे दी। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। द कुक थॉट अ थॉट, कुक थॉट एंड थॉट, ही देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट अवियल। ठीक है, तो उसके बाद
सबके दिमाग में जो गेस्ट थे, गेस्ट के दिमाग में ये बात आई कि भाई जो ये नई डिश बनी है इसका नाम क्या है, क्योंकि नॉर्मली जो खाना होता है उसके नाम तो सबको पता होते हैं भाई, अब राजमा बना रहे तो राजमा सबको पता है, छोले सबको पता है, पूरी सबको पता है, हलवा सबको पता है, लेकिन ये कोई नई डिश थी तो सबके दिमाग में ये नाम आ रहा था, दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि इसका नाम क्या है इस डिश का आखिर। तो उन्होंने कुक से पूछा, लेकिन कुक को भी पता नहीं था क्योंकि वो तो पहली बार बनी थी ना डिश। तो कुक ने अपने दिमाग लगाया और उसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, अवियल। अवियल क्या? अवियल, ए वी आई ए एल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, तो अवियल क्या हो गया उसके बाद बहुत ही प्रसिद्ध हो गई डिश कहाँ, केरल में, ठीक है। केरल हमारे एक स्टेट का नाम है जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो वहां पर वो फेमस हो गए केरल में, और आज की डेट में जब भी उनके कोई त्यौहार होते हैं जैसे दिवाली है, होली है, जैसे हमारे त्यौहार है ना दिवाली होली, तो वैसे वहां पर उनके भी कुछ त्यौहार होते होंगे, तो उन त्यौहारों में जो डिश है वो स्पेशल रूप से क्या बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है और उसको खाया जाता है। क्या है उस डिश का नाम? अवियल। अवियल एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और बनाई कहाँ से गई थी वो सारी, वेस्ट से, ठीक है, ठीक है, छिलकों से, या जो जैसे हम सब्जी काटते हैं तो सब्जी में कुछ कुछ सब्जियां भी तो चली जाती हैं, जैसे हम गोभी काट रहे हैं तो गोभी में कुछ गोभी के टुकड़े भी चले जाते हैं, तो सारे वेस्ट से ही वो क्या बनाई गई थी डिश, जिसका नाम क्या है, अवियल। समझ में आ गया? यस सर।